मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। आगरमालवा के सुसनेर तहसील में 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में लोगों के द्वारा वहां विरोध करते हुए दुकानें बंद कराने के साथ देर तक हंगामा भी किया गया। पुलिस ने 2 घंटे की कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर बालिका का मेडिकल करवाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान आज से देश भर में शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजधानी भोपाल से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अभियान का बिगुल फूंका। इस मौके पर कांग्रेस की महिला नेत्रियों के साथ कार्यकर्ताओं ने राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर महंगाई के विरोध में झांझ मंजीरे बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रदर्शन किया। व्यापम में हो रही गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीईबी का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्रांत भूरिया समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के कलेक्टर परिसर में गुरुवार दोपहर 2 स्टाम्प वेंडरों में रेड की प्रतिस्पर्धा के चलते विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। घटना में 2 भाइयों को ज्यादा चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खास बात यह है कि मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे जो वीडियो बनाते रहे। मामले में माधवनगर पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश में गुंडे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर इंदौर के नगर निगम द्वारा गुरुवार से ही शहर में एंटी माफिया अभियान शुरू किया गया, जिसकी पहली कड़ी में इंदौर के ग्वालटोली और बिनोबा नगर में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।